सो ये गाइस कैसे हैं आप सब। और आज की इस वीडियो के अंदर हम खेलने वाले हैं पोकेमोन गो, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शानदार गेम है। ये 2016 में आया था और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब गेम है। लेकिन इस गेम की प्रॉब्लम ये जो है, स्टार्टिंग करने में थोड़ी सी जो है देर लगाता है। सो इस गेम की यही एक थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मस्त गेम है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस गेम को खेलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो आगे देखते रहिए। सो यहाँ पे ये गेम जो है हमारा ओपन हो रहा है और बहुत टाइम लगाता है यार ये गेम, बहुत टाइम। सो ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है गेम और कुछ पता नहीं क्या इतना टाइम क्यों लगाता है थोड़ा ना मेरे बाबा। तो यहाँ पे सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रेट सीफल और पिकाचू है मेरे आसपास। कूल, सो अब हम सेंट्रेट को पकड़ेंगे। सिंपली आपको ऐसे पोकीबॉल उसके मुंह पे फेंकनी है, उसके बम में फेंकेगा। अरे बाबा, उसके मुंह पे ही फेंकेगा ना। तो यहाँ पे हमने सेंट्रेट को कॉच कर लिया है और यहाँ पे मेरे पास पहले से सेंट्रेट था, दिस वाय मेरे पास 9 कैंडीज हैं। ओह पीजी भी, यहाँ पे तो पीजी भी है गाइस, मैंने देखा नहीं था। गाइस 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 गाइस, हम झूठ नहीं बोलते गाइस। वाओ टीम रॉकेट, टीम रॉकेट हमारी लंबी है हाइट, छोड़ेंगे नहीं डे हो या नाइट। यहाँ पे मैं अपने नॉकटावल सेवली और जेंगूस से लड़ने वाला हूँ, जो कि मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने नॉकटावल को फेंका, उसने स्टंकी को फेंका। वाओ सिनो रीजन का एक कमाल का पोकेमोन स्टंकी। सो यहाँ पे मैं नॉकटावल को अटैक करने को बोल रहा हूँ और देख सकते हैं आप, नॉकटावल ने ख़त्म कर दिया स्टंकी को और अब आएगा स्टंक टैंक। वाओ ये स्टंकी का एवोल्यूशन है, मतलब स्टंकी जब बड़ा होता है, स्टंकी जब इवॉल्व होता है तो स्टंक टैंक बनता है। और मेरे नॉकटावल के पास साइकिक अटैक है, बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। ख़त्म कर दिया स्टंक टैंक को, एक और स्टंक टैंक, कूल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कमाल की ये फाइट। इसी के साथ मिडपैट 2 जीत चुके हैं, मैंने अपना नाम मिडपैट 2 रखा है क्योंकि मुझे मिडपैट गेमिंग चैनल में बहुत ही ज़्यादा पसंद है। सो इसलिए मैंने अपना नाम मिडपैट 2 रखा है। तो यहाँ पे हम जीत गए हैं, हमें स्टारडस्ट मिस्टीरियस कंपोनेंट और यहाँ पे हमें एक बैच मिला है जिसमें 10 में से 2 जीत गए हम टीम रॉकेट का। तो यहाँ पे हमको रेस्क्यू पोकेमोन करना है और वाह स्टंकी मिलेगा हमको, फ्री में स्टंकी मिलेगा। ले लो फ्री में स्टंकी, ले लो फ्री में स्टंकी, ले लो। सो गाइस हमने यहाँ पे स्टंकी के ऊपर पोकेबॉल फेंक दी है। सो यहाँ पे ये स्टंकी कॉच हो रहा है और ये स्टंकी कॉच हो गया। जी हाँ गाइस, स्टंकी कॉच हो गया। सो बहुत ही ज़्यादा शानदार मैंने स्टंकी। फिर सी पी कितनी है, और 227 कमाल की सी पी है। सो सिंपली आपको कलेक्ट पे दबा देना है। पिजी को हमने पकड़ लिया है गाइस। उसमें आपको पोकीबॉल फेंकनी होती है और पोकेमॉन जो है वो कॉच हो जाता है। और पोकेमॉन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बेंटन भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो इसलिए मैंने बेंटन और पोकेमॉन का चैनल बनाया कॉमिक वर्ल्ड। और यहाँ पे पिजी को हमने पकड़ लिया, कल मैंने एक पिजियोट को पकड़ा था, वो बाद में दिखाऊंगा। वाह मुझे बैच मिल चुका है कैच 30 पोकेमॉन का। सो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं अपना पोकेमॉन ये देख सकते हैं आप, मेरा पिजियोटो कमाल का है पिजियोटो भी, लेकिन उसकी सीपी बड़ी कम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिकाचू को हम कॉच करेंगे। अरे भाई साहब क्या डिफेंस किया था। सो यहाँ पे हम पिकाचू को पकड़ेंगे और अरे दादा पिकाचू छूट गया। अच्छा आपको एक बात बताओ, पीछे उसकी टेल देखो पिकाचू की, वो फीमेल है क्योंकि उसके पीछे टेल पे हार्ट बनाए हैं। मैंने यूट्यूब से देखा था, उसने बताया था कि जिस पिकाचू के पीछे टेल में हार्ट हो तो वो फीमेल पिकाचू होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सीफल को कॉच कर लिया है।
सीफल वॉज कोच, लाजवाब पोकेमोन है सीफल भी। सो अब मैं कुछ देख रहा हूँ कुछ भी, यहाँ पे आप पिकाचू देख सकते हैं। मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ दोबारा पिकाचू को पकड़ने की। तो यहाँ पे मैं इसको रास्पबेरी खिलाऊंगा, रास्पबेरी के अंदर एक रास छुपा है वो किसी को नहीं पता। देख सकते हैं मैंने उसको बॉल फेंकी और देख सकते, और देखेंगे इस बार कॉच होता है कि नहीं होता। अरे वाह छूट गया, तो पोकेमोन ब्रोक फ्री। अब हम इसको नाना बेरी खिलाएंगे जो इसके नाना ने बनाई है, नाना बेरी। सो यहाँ पे हमने पिकाचू के ऊपर बॉल, और ये पोकेमोन ब्रोक फ्री। अब हम इसको, अच्छा ग्रेट बॉल में ढूंढ रहा था, ग्रेट बॉल नहीं है हमारे पास, सॉरी मेरे पास ग्रेट बॉल नहीं है, मैं पिकाचू को नहीं पकड़ सकता। तो हम छोड़ देंगे। सो अब देख सकते हैं यहाँ पे ट्री गेको आ गया है, ये भी एक कोहिन रीजन का कमाल का पोकेमोन है। तो यहाँ पे हम इसको रास्पबेरी खिलाएंगे, रास्पबेरी के अंदर राज। मेरी बहन कहती है रास्पबेरी खिलाने से पोकेमोन जो है पकड़ में आते हैं, मुझे तो कभी नहीं लगा ऐसा। यहाँ पे हमने ओ गाइस ट्री गेको ने लेफ्ट कर दिया। अब हम उसके पास सिंपली पोकेबॉल फेंकेंगे। अब देख सकते हैं नीचे वो धुआं था, मतलब वो लेफ्ट करने वाला था, लेकिन जैसे लेफ्ट करने वाला था मैंने उसके ऊपर पोकेबॉल फेंक दी और ये हमने पकड़ लिया है गाइस ट्री गेको। ट्री गेको कमा, ये मेरा फेवरेट है ट्री गेको। और यहाँ पे मुझे बैच मिल चुका है, रजिस्टर 5 पोकेमोन ऑफ होइन रीजन का। सो अगर मतलब अब भी पोकेमोन गो खेलते हैं तो मैं अपनी आईडी भेजूंगा और आप मुझे फ्रेंड बना सकते हैं इसमें, मैं लेकिन थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ रहे फिर। सो अब मैं आपको पोकेमोन दिखा दूँगा अपने, ये अपना ट्रीगेको, सीफल, पिजी, स्टंकी, सेंट्रेट, लिटेलियो, टेंटाकुल, ईवी, सैबली, सीफल, माचो, वीडल, फ्लैफी, जेंगूस, टॉर्चिज, स्टैनलर, जिगलीपफ, स्नोवर, नॉक्टावल, चेस्पिन, जिगलीपफ, पिकाचू, पिजियोटो, ईवी, सेंट्रेट, सेंट्रेट, बनेबली, मिक्सिनो, चेस्पिन, ईवी, फेनिकिन, बल्बसोर। सो ये थे मेरे पोकेमोन्स इतने सारे, भाई मैं खुद बोलते बोलते थक गया। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो।